नमस्कार दोस्तों, मैं सीके पी स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं छोटू कुमार, जो कि आज का जो मेरा क्लास होगा, जो कि बिहार बोर्ड का जो कि है साइंस का मॉडल पेपर होगा। तो अगर आप जो कि है साइंस, अगर आप मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का साइंस का जो कि वीडियो नहीं देखें, तो आप पिछले वीडियो में मेरा प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, आपको पिछले वीडियो देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप 2021 में बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे बेटर कुछ नहीं है। ठीक है, आप जो कि 50% मार्क जो कि कन्फर्म जो कि है आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब कर ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि स्टडी से रिलेटेड मेरा कोई भी वीडियो होगा तो आपको मिलता रहेगा। जो कि मैं समय को ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का ये सही मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन ए में डायोप्टर, बी में जो कि एक्सट्रम, सी में जो कि ल्यूमेन और डी में लक्स। तो आपको पता होगा कि लेंस की क्षमता का ये सही मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर है, डायोप्टर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया गया प्रकाश स्रोत, बी में किरण पुंज, सी में जो कि है प्रदीप और प्रदीप्त, और डी में जो कि प्रकीर्णन। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रकीर्णन करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी माध्यम से छोटे छोटे कणों के लिबन जो कि लिबन को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में है जो कि कोलाइड, बी में पुंज, सी में प्रकाश और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 3 का, जो कि ऑप्शन ए, कोलाइड जो है किसी माध्यम से छोटे छोटे कणों के लिबन जो कि निलंबन को कहा जाता है, कोलाइड। ओके, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मानव शरीर की प्रतिरोध कितना होता है। तो मानव शरीर की जो प्रतिरोध होता है दोस्तों, तो मैं बता देना चाहूँगा कि ये मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है 50-100 ओम मीटर होता है। आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव है, कह रहा है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। कह रहा है कि 200 जो कि है 20 वोल्ट पर 2A की धारा अगर प्रवाहित होगा तो फिलामेंट क्या होगा। तो देखिए, 220 वोल्ट अगर है और 2 का धारा उसमें प्रवाहित होगा, तो उसका वोल्ट क्या होगा, तो 110 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी ए में है, ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करा आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया कि आर बाई एन होगा, या एन बाई आर होगा, या एन गुने आर होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 6 का, जो मेरा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आर ओम प्रतिरोध एन प्रतिरोध के अगर समानांतर क्रम में रहेगा जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो एन गुने आर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है कि ओम के नियम निहित है, ओम के क्या नियम है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है वी आर बराबर 1 में, या बी में कह रहा है वी आर बराबर 1 आर में, सी में कह रहा है आई वी बराबर आर में, डी में कह रहा है आर बराबर वी में। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी होगा, वी बराबर आई आर में, जो कि ओम के नियम के निहित है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। तो ऑप्शन ए में दिया गया एम्पियर, बी में वोल्ट, सी में ओम, डी में जूल। तो विद्युत धारा की जो प्रबलता का एसआई मात्रक होता है, वो मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मेरा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए होगा, एम्पियर जो है विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विद्युत धारा का उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में जनित्र कहेंगे, या जो कि गैल्वेनोमीटर कहेंगे, या एमीमीटर कहेंगे, या मोटर कहेंगे। तो विद्युत धारा का उत्पन्न करने वाली युक्ति को हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 9 का, जो मेरा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए, उसे जनित्र कहेंगे, जनित्र, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में आपतन कोण, बी में परावर्तन कोण, सी में निर्गत कोण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन सी होगा, जो कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो जो कि निर्गत कोण कहते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो एक मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्या क्षमता होगी। तो ऑप्शन ए में दिया गया -ID, बी में कह रहा है 1D, सी में कह रहा है 2D और डी में कह रहा है 1.5D। तो
तो देख लेते हैं कि यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी, 1D जो है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, 1D होती है। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सामान्य आँख के लिए अस्पष्ट जो कि दर्शन की नियुक्ति न्यूनतम दूरी होती है, समान आँख के लिए स्पष्ट जो कि है दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो ऑप्शन ए में दिया गया 10 सेंटीमीटर, बी में कह रहा है 15 सेंटीमीटर, सी में कह रहा है 20 सेंटीमीटर और डी में कह रहा है 25 सेंटीमीटर। तो 12 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन डी, न्यूनतम जो कि है ऑप्शन डी, यहाँ पर समान आँख के लिए स्पष्ट रूप से हम जो कि 25 सेंटीमीटर तक का देख सकते हैं। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए में जो कि दीर्घ दृष्टि दोष, बी में निकट दृष्टि दोष, सी में जो कि अबिंदुकता, डी में जो कि जरा दृष्टि दोष। तो यहां पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 13 का, जो कि ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष जो होता है किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए जो कि है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता क्या है। अगर दूरदृष्टि दोष में जो कि मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस होता है ये कह रहा है। तो ऑप्शन ए में अवतल लेंस, बी में उत्तल लेंस, सी में जो कि बेलनाकार लेंस और डी में कह रहा है कि समतोलन लेंस। तो यह जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि कह रहा है दूरदृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होगा उसमें जो कि उत्तल लेंस लगा होता है। अगर आपको दूर की वस्तु देखना है तो आपको उत्तल लेंस उसमें जो कि लगा होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो ऑप्शन ए में कि बहुत कम हो जाता है या परिवर्तित नहीं होता है, सी में कह रहा है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है और डी में कह रहा है कि नियंत्रण प्रवाहित पर परिवर्तित होता है। तो लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 15 का, जो कि ऑप्शन सी, बहुत जो कि है वो बढ़ जाता है, इसके कारण जो कि है परिपथ में विद्युत धारा का मान जो कि है बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है गोबर गैस एक प्रकार की क्या है। तो ऑप्शन ए में प्राकृतिक गैस, बी में बायोगैस, सी में लकड़ी और डी में चूल्हा। तो प्राकृतिक गैस एक प्रकार का कौन सा गैस है। तो प्राकृतिक गैस एक प्रकार का बायोगैस होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर जो कि बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि 16 का ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कैंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए में दिया गया गुजरात, बी में कर्नाटक, सी में राजस्थान, डी में महाराष्ट्र। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 17 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी, कर्नाटक जो है कैंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र का जो कि है कर्नाटक में स्थित है। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है विलेय, बी में जो कि अविलेय, सी में दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 18 का जो मेरा राइट आंसर होगा अविलेय जो कि है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का विलेय प्राप्त होता है। तो अविलेय प्राप्त होता है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन में दिया गया है कि ए में सोडियम कार्बोनेट, बी में हाइड्रोजन कार्बोनेट, डी में कैल्शियम कार्बोनेट, डी में कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, जो कि 19 का जो मेरा करेक्ट आंसर सोडियम जो कि हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। सोडियम बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा बिल्कुल राइट आंसर है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कि ऐसक से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि धाविकी कहेंगे, बी में करा धातु क्रम, सी में करा धातु साला, डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 20 का, जो कि ऑप्शन बी, धातु क्रम उसे कहते हैं। ऐसक से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो धातुकरण कहते हैं, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में दिया गया उष्मा शोषी, बी में उष्मा क्षेपी, सी में जो कि उभयगामी, डी में प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 21 का,
21 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी उष्मा क्षेपी साग सब्जियों को विघटित कर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो उष्मा क्षेपी का उदाहरण है, आप इसे याद रखेंगे। 21 का नेक्स्ट क्वेश्चन ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, 22 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पादक लैंड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो ऑप्शन ए में दिया गया O2, बी में NO2, सी में NO2 और N2, डी में कह रहा है NO2 और O2। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी NO2 और O2 जो है, निम्न में से कौन सा उत्पादक लैंड नाइट्रेट को गर्म करता है, तो NO2 और O2 जो कि है नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, आप इसे याद रखेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 करा है, निम्न में से कौन सही है, तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 23 का जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, Na2CO3 × 10H2O जो कि है बिल्कुल राइट है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 करा है, निम्नलिखित में कौन बीजातीय यौगिक है, तो ऑप्शन ए में चूना पत्थर, बी में जो कि खड़िया, सी में संगमरमर, डी में प्लास्टिक ऑफ पेरिस, निम्नलिखित में कौन जो कि बीजातीय यौगिक है, तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 24 का जो कि ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि एक बीजातीय यौगिक होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, आप इसे याद रखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में, वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूँगा मैं, तो क्वेश्चन नंबर 25 का, निम्नलिखित में से पीएच का मान कौन सा मान क्षारक बिल्ले का मान होता है, तो ऑप्शन ए में 2, बी में 7, सी में 6, डी में 13। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 25 का जो कि ऑप्शन डी 13 जो होता है, निम्नलिखित में पीएच का मान कौन सा क्षारक बिल्लियन का मान होता है, तो 13 होता है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जो कि है मैंने इसमें 25 प्रश्न जो कि देखे, ऑब्जेक्टिव तो क्लास 10th के लिए था, तो आप जो कि मॉडल पेपर आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आप बोर्ड एग्जाम जाने से पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो जो कि है मैं यहीं को वीडियो को समाप्त करता हूँ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।